टैडी के अंदर मतलब अगर आपको जॉब चाहिए, आपको ना कहीं जॉब मिल नहीं रही है, तो ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो। और आज मैं टैडी के अंदर राइड कर रहा हूँ, टैडी के अंदर हमें कौन सी गाड़ी मिली है आप लोग कमेंट करते हो ना, तो यार अच्छा लगता है। लेकिन यार कॉल्स मेरे पे ना इतनी आती है मैं क्या बताऊँ, मैं कोई मतलब नहीं है उसको बताने का, इतनी कॉल्स आती है। अरे बंदा कहाँ पर संपर्क करेगा, बस वीडियो बना दी और अच्छे खासे व्यूज आ गए, क्या फायदा उसका, जब भाई किसी की हेल्प ही नहीं हुई, किसी को कुछ रोजगार ही नहीं मिला तो। और आजकल आपको पता है टैडी ड्राइव यू कैसे सॉफ्टवेयर, ये ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जिसके अंदर ना ड्राइवर ना इजीली मतलब मिल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो भाई आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इंडिया 14 सालों बाद जीता है वर्ल्ड कप और इसकी बहुत ज्यादा खुशी है मुझे भी और आप सभी को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। और आप लोगों ने भाई मैच रात तक देखा होगा 11:30 बजे तक। तो आज मैं आपके लिए एक और राइड लेके आ रखा हूँ टैडी के अंदर। चैनल पहली बार आता है तो पता ही क्या करना है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यार मुझे ना ड्राइव फॉर मी का तो कुछ समझ आ नहीं रहा यार, एक तो उसमें राइड बहुत कम आती है और ऊपर से जो राइड आती है तो वो तुरंत उड़ जाती है, जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा। और जो भी ड्राइवर फॉर मी के साथ जो काम करता है जो भाई, उनकी आपने बातें सुनी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपने ड्राइवर फॉर मी पार्टनर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लेना कि पार्टनर का क्या रिव्यू रहा है उसके अंदर। तो अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने ड्राइव फॉर मी का एप्लीकेशन ऑन कर रखा है, तो दोस्तों इसमें ना एक बुकिंग आ रखी है, देख रहे हो, ये जो बुकिंग है ना, ये है तुम्हारी भैया कहाँ से, सुकराली से समाल का, यानी कि सेक्टर 17 गुड़गांव से छोड़ना है वो कापासीटा बॉर्डर के वहाँ पर, समाल का वही पड़ता है। और पैसे कितने मिल रहे हैं, 150 रुपये। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं तो देखो कोई से पिक नहीं कर रहा, और भाई बुकिंग तो बिल्कुल ना के बराबर है। सच बताऊं तो भाई मैंने ना ये ऐप जस्ट अभी भी खोला है, और समय की बात बताऊं तो अभी समय 4:30 बज रहे हैं शाम के। तो आज मैं टैडी के अंदर राइड कर रहा हूं, टैडी के अंदर हमें कौन सी गाड़ी मिली है, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, होंडा सिटी वाइट कलर की, मेरी ऑल न्यू फेवरेट गाड़ी। बाहर यार बहुत धूप भी हो रही है और ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी, तो थोड़ा तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर बैठ के बात करता हूँ यार आप लोगों से। भाई देखो 2 मिनट के लिए बाहर के चला गया, पसीने से हालत खराब। पहले तो सबसे पहले गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ तो अब ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, ह्यूमस बहुत ज्यादा हो रही है और गर्मी भी लग रही है। शाम को थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, आपको पता है पहले तो टंकी के पानी से नहाया भी नहीं जा रहा था, अभी थोड़ा मौसम बढ़िया तो नहाया जा रहा है, लेकिन दोपहर गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी लेकिन इतनी गर्मी नहीं है मरने वाली, लेकिन ह्यूमस की वजह से गर्मी हो रही है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भैया तुम्हारा भाई आ रखा है स्टैडी के अंदर, कितने रुपए तुम्हारा भाई कमाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बुकिंग दिखा देता हूँ, देखो बस। ओए यार ये तो ऐप ही बंद हो रखा है, ऐप ओपन कर लेता हूँ, रुको यार जूम कर ले थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखो, माई बुकिंग पे जाऊँगा और आज की डेट है 30 जून 3:30 बजे, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखो पार प्लेस तुम्हारे भाई ने राइड उठाई है और पैकेज डिटेल ये है कुछ इस तरीके का, 6 घंटे का पैकेज है, 571 कस्टमर से लेने हैं और 435 मुझे मिलेंगे, यानी कि 130 रुपये कुछ कट जाएंगे, तो हमें मिलेंगे 435 रुपये 6 घंटे के। तो दोस्तों 6 घंटे कितने होते हैं तुम्हारे, तो दोस्तों 6 घंटे कितने हुए, 3:30 से कितने 9:30 बजे तक। अब मैं इन मैम के पास गया और आप लोग सोच रहे हो कि भाई गाड़ी खाली क्यों है, गाड़ी खाली इसलिए है, तो भाई मैं तो सबसे पहले तो मैं टाइम से पहुंच गया था 3:30 बजे करेक्ट उनके सोसाइटी पे। सोसाइटी पे पहुंचने के बाद वो आई मैडम 4 बजे, 4 बजे आने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मेरा प्लान ना कैंसिल हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने फ्रेंड के यहाँ पर हो आती हूँ। तो पार्क प्लेस से जहाँ पर हम आ रखे हैं सेक्टर 54 सन सिटी, जस्ट 1 किलोमीटर दूर था, तो उनको मैंने 1 किलोमीटर दूर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद उन्होंने बोला ये गाड़ी ना वापस सोसाइटी ले जाओ। अब मैं सोच रही हूँ या तो मैं इसे ड्रॉप करवा दूंगी या फिर जो उनका मन होगा वो देखेंगे। तो उन्होंने बोला जो चार्ज है, जो मैंने 6 घंटे का पैकेज ले रखा है, क्या पूरा पे करना पड़ेगा मुझे या फिर जितना मैंने यूज किया उतना पे करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला पूरा ही पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टैडी के अंदर एक ऐसी चीज है कि आपको ना पूरा ही पे करना पड़ता है अगर आपने पैकेज ले लिया है तो एक बार में ही। तो ये सीन है टैडी के अंदर, तो टैडी की ये एक अच्छी चीज है, अगर आपने 6 घंटे की बुकिंग उठाई है और वो 1 घंटे में पूरी हो जाती है तो पैसे आपको पूरे 435 रुपये या 535 जितने भी है बनने हैं वो मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। ड्राइव व्यू में क्या है कि ड्राइव व्यू में उतने ही मिलेंगे जितने काम किए आपने। तो दोस्तों यार आप लोगों के लिए वहां खड़े होकर वीडियो बना रहा था, तो अब वापस सोसाइटी में जा रहा हूँ,
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया मैं कहीं और इधर उधर निकल जाऊं और फिर दोबारा से यार एक तो मेरी किस्मत ना इतनी खराब है कि जब मैं कस्टमरों की गाड़ी में अकेला रहता हूं ना और मैं कहीं जाने की सोचता हूं तो तभी ना कुछ गाड़ी में खराबी होनी चालू हो जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो और मैं कहीं और जाके फंसूं, तो इसलिए मैं गाड़ी वापस लेके जा रहा हूं। और देखो साइबर सिटी ये रास्ता रहता है बिल्कुल सीधा साइबर सिटी और हम यहाँ से ऊपर को मुड़ जाएंगे। तो यार आप लोगों के ना मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ पहली बात तो, और कमेंट किया करो यार, कमेंट करोगे ना तो वहाँ पर मैं सबसे पहले रिप्लाई कर देता हूँ। आप में से कई लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो और भाई रात के 11-11 बजे भी कॉल आती है मेरे पास। अगर मैं आपको सही बोलूँ ना तो 12 बजे भी रात को कॉल आती है, जो कि उठाता हूँ सीधा आप बोलते हो कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी यार, तो यार रात को क्या टाइम होता है यार वो कॉल करने का, आप मुझे सुबह करो दोपहर करो तो मैं कॉल पिक कर लेता हूँ। लेकिन मेरी आपसे ना एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप ना मुझे ना यूट्यूब में ही कमेंट किया करो तो मैं वहाँ पर जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने ना इसकी जो रीज़न है, मैंने वहाँ की नोटिफिकेशन गाइज ऑन कर रखी है और मैंने ना सारी नोटिफिकेशन बंद कर रखी है। आप लोग कमेंट करते हो ना तो यार अच्छा लगता है, लेकिन यार कॉल्स में पे ना इतनी आती है मैं क्या बताऊँ, मैं कोई मतलब नहीं है उसका बताने का, इतनी कॉल्स आती है। आप में से ना कई लोग बोलते हो कि वो वाली वीडियो बनाओ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, तो भाई देखो सबसे ज़्यादा जितने पैसा है ना उसमें ज़्यादा राइड ही नहीं आती। अब राइड नहीं आती है तो फिर आप लोग क्या करते हो, कमेंट करते हो, कॉल करते हो और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हो और इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो कि भाई राइड नहीं आ रही है, आपने जो बोला था मैं क्या करूँ। तो यार मैं उसमें, आप खुद बताओ मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि यार पेमेंट जो है ना क्या बोलते हैं ड्राइवर फॉर मी की, तो जो वहाँ के जो एजेंट हैं मतलब जो वहाँ के जो टीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि आधे घंटे मतलब 2 दिन बाद आएगी पेमेंट। तो आपको पता है 2 दिन बाद आएगी, फिर भी आप मुझसे पूछते हो कि यार 2 दिन बाद पेमेंट आएगी, तो फिर उसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो यही बोलूँगा ना कि हाँ भाई आप एक काम करो, आप वेट करो, वेट के अलावा तो गाइस कुछ कर नहीं सकते ना, ये चीज़ें हैं। और अभी भी मेरे पे कॉल आ रही है कि भाई मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, एक भाई ने मुझे वो मैसेज किया था मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, आगरा से बात किया, उन्होंने बताया नहीं कि मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई देख लो ये जॉब है, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया था टेडी के अंदर जो जॉब का आता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो हूँ नहीं अभी, मैं आगरा में हूँ। तो भाई देखो अगर आपको जॉब चाहिए ना टेडी के अंदर फुल टाइम, तो टेडी के अंदर मतलब अगर आपको जॉब चाहिए, आपको ना कहीं जॉब मिल नहीं रही है, तो ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो और मुझे बताओ। क्योंकि आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम में अपना नंबर शेयर कर देना वहाँ पे और मुझे ये बता देना कि आपको फुल टाइम जॉब चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा कि अगर कोई जॉब होगी तो मैं आपके नंबर ना उनको दे दूंगा टेडी वालों को, तो वो लोग आपको खुद ही कॉल कर लेंगे। तो आप ऐसा कर लेना इंस्टाग्राम में नंबर मुझे दे देना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना यूट्यूब में सर्च किया था कि ड्राइवर जॉब इन दिल्ली, ड्राइवर जॉब इन गुड़गांव NCR, तो भाई जितनी भी जो वीडियो आ रही थी ना यूट्यूब के अंदर, तो उसमें ना एक लेडीज है, एक फीमेल है लड़की, तो भाई वो ना वीडियो बनाती है ड्राइविंग वैकेंसीज के बारे में। अब मैंने उसका ना नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो उन्होंने क्या डाल रखा है इसमें कि जो जॉब के बारे में वो सिर्फ वीडियो बनाती है, कोई नंबर नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो भाई बंदा कहाँ पर संपर्क करेगा, बस वीडियो बना दी और अच्छे खासे व्यूज आ गए, क्या फ़ायदा उसका। जब भाई किसी की हेल्प ही नहीं हुई, किसी को कुछ रोजगार ही नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा। अब मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ वो आप लोगों को पता है कि भाई ये एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर काम करना है और गाड़ी चलानी है। लेकिन आप लोग मुझे कॉल करते हैं कि भाई मुझे फुल टाइम काम करना है, तो भाई फुल टाइम के लिए ना समय लगता है उसमें। जो टेडी के अंदर जो फुल टाइम के लिए काम की मतलब वो आती है ना, क्या बोलते हैं, वीडियो कह रहा हूँ, फुल टाइम के लिए आता है जो ऑप्शन, वो आता है और चले जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ड्राइवरों की कितनी ज़्यादा संख्या है आज के टाइम पे, और हर कोई ड्राइवर मतलब लेना नहीं चाहता, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल हर किसी को ना गाड़ी चलाने आती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा इंसान हो, हर किसी को आती है गाड़ी चलानी, तो वो ड्राइवर रखता नहीं है। और आजकल आपको पता है टेडी ड्राइव्यू एक ऐसे सॉफ्टवेयर, ये ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिसके अंदर ना ड्राइवर ना ईजिली मतलब मिल जाते हैं। 242 के ब्लॉक 8130 अभी तो गया था यार, 8130 कमल एंटर होगा ऑलरेडी उसमें, इसमें वो नहीं लग रखा क्या। वाह भाई वाह, ये ना कस्टमर की गाड़ी है और
इनकी वैन कर वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टिकर नहीं लग रखा था, स्टिकर लगा है नहीं लगा ये नहीं पता, गुड़गांव वन का स्टिकर लग रखा है। अच्छा गाड़ी साइड से कोई और सोसाइटी की होगी भाई, बगल से आ रही है BMW, देखो ये तो BMW कह रहा हूँ, ये तो ऑडी है भाई, बगल में सोसाइटी है द क्रेस्ट। भाई साहब क्या ही उसकी वो है, क्या बोलते हैं, अंदर की रौनक। ये तो भाई डेलव का पार्क प्लेस है, तो ये थोड़ा सा सस्ता है, और जो वो वाला है ना वो महंगा भाई, इसके बगल में डेलव जो क्रेस्ट है वो वाला। तो दोस्तों अभी समय की बात बताऊं तो अभी इस समय एग्जैक्टली बज रहे हैं 6:12, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और मौसम हो रहा है अभी इस समय बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा वाला। अभी क्या हुआ, मैंने इससे पहले ना एक वीडियो रिकॉर्ड करी और वो बन गई स्लो मोशन में, जब मैंने देखा यार इतना स्लो भी चल रहा है, फिर मैंने देखा स्लो मोशन में बन गई थी। तो आज की जो यारी राइड है ना वो सबसे ज़बरदस्त होने वाली है, क्यों, क्योंकि भाई हमें ना कहीं पर भी ट्रैवल करना नहीं पड़ा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं आई इसके अंदर, सिंपल सा बस पिक करना था और ड्रॉप करना था और फिर वहाँ से वापस अपने इसी लोकेशन पर आ गया। तो वैसे तो ये हो जाने वाली है 9:30 शाम को ख़त्म, लेकिन देखते हैं उससे पहले भी हो सकता है, आप पता नहीं, क्योंकि 9:30 तो कोई वापस आता नहीं है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो जैसे ही ये राइड ख़त्म होती है या जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, और देखते हैं क्या होता है। बाकी मौसम बढ़िया है और 2:30 टोटल अभी तक हो चुके हैं, नहीं उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले मैं यहाँ पर पहुँच चुका था लोकेशन पर। तो जैसे भी अपडेट रहता है मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 7:00 और तुम्हारे भाई ने कर दिया है चेकआउट, और तो मैं दिखाता हूँ टोटल कितना बना। मुझे लगा कि यार ज़्यादा बना होगा, लेकिन जब मैंने इसमें गया तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बना है। यार देखो 2 राइड और आ रखी है, लेकिन ये कल की है, 8:30 और 9 लेने के लिए तो ले लूँ, लेकिन मुझे वॉकआउट पर भी जाना है। तो देखो ये थी हमारी आज की राइड, जो अगर मैं इनवॉइस दिखाऊं तो 471 की बिलिंग बनी है, और कितने आवर हमने काम करे इसके अंदर, ये देखिए 4 बजे स्टार्ट हुआ, 7 बजे खत्म हुआ था, यानी कि 3 घंटे, 3 घंटे का 471। तो इसमें से कुछ कट वट के फिर हमें मिलने वाला है, अब वो कितना मिलेगा वो यहाँ पर चल जाएगा। 471 दिखा रहा है ना इसके अंदर, मतलब कस्टमर से 471 लेने हैं, लेकिन मैंने कस्टमर को ना अभी अमाउंट नहीं बताया कि कितना मुझे लेना है। यहाँ पर क्लियर माई ड्यू में आता हूँ, 136 कैश विद ड्राइवर, 136 यानी कि 136 पे करना पड़ेगा मुझे यार, ये तो उतना ही हुआ। 471 कस्टमर से लेने ना, 471 माइनस 136, इतनी अर्निंग हुई है 3 घंटे की, 5-6 3 घंटे के 335 रुपये मिल रहे हैं। टैडी ठीक है, सही दे रहा है, मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि इन्होंने ना अर्ली वो कर दिया था चेकआउट, तो इसलिए जो एग्जैक्ट अमाउंट था ना वो इतना बना है 335। तो दोस्तों ये थी हमारी अर्निंग आज की 335 रुपये 3 घंटे के, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन यही अगर मैं ऑफलाइन कस्टमर को लेके जाता तो मैं 3 घंटे के 400 रुपये चार्ज करता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना सही से कुछ सही। और टैडी में मैं कैसे किया मैं आपको वो बता देता हूँ। टैडी में क्या है ना कि यार बैक टू बैक ना मैसेज आते रहते हैं फ़ोन के अंदर कि अभी इस समय राइड आ रही है, ये 5 घंटे की राइड है, ये 4 घंटे की राइड है, 6 घंटे की राइड है, 8 घंटे की राइड है, ऐसे ऐसे टैडी में मैसेज आते रहते हैं। तो इसलिए जो सारा फोकस गया था ना मेरा वो टैडी के ऊपर ही गया था, तो इसलिए मैंने टैडी को चूज़ कर लिया। ड्राइवर फॉर मी का क्या है कि दोस्तों राइड जो आती है ना बहुत कम ही आती है, और बहुत कम आने के साथ साथ जल्दी पिक हो जाती है, तो ड्राइवर फॉर मी के अंदर मेरा जाने का मन नहीं किया। या फिर मैं आपको कहूँ तो टैडी के ना बार बार मैसेज आने के चक्कर में टैडी मेरे सामने विजिबल है, तो इसलिए मेरा सारा ध्यान टैडी की तरफ गया और मैंने वो राइड पिक कर ली। जो ड्राइवर फॉर मी का इतना ध्यान में नहीं था, जब राइड पिक कर ली या कस्टमर की लोकेशन पहुंच गया बाद में पता चला। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, और मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रखा है अभी इस समय। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, और मैंने कस्टमर ने मुझे कितने पे करे हैं वो अभी तक उन्होंने पे नहीं करे हैं, जितना भी वो मुझे पे करेंगे मैं पिन कर दूंगा नीचे। वैसे कस्टमर को मैंने ये बोला था कि जो टोटल अमाउंट है वही आपको पे करना है, लेकिन अब देखते हो कितना पे करता है, जो भी पे करता है मैं नीचे पिन कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ रहिए।